विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेजिडेंटल कॉलेज आरएसएस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र भाग दो के माध्यम से इस चैप्टर में बचे हुए कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें विशेष रूप से कुछ सूत्रों का निगमन शामिल है। तो विद्यार्थियों, लोग स्टार्ट करते हैं भाग दो, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर पार्ट टू, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म। ओके, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र अध्याय की रूपरेखा एक बार पुनः आप लोग सभी विद्यार्थी चेक कर लें। तो हम लोग यहाँ देखिए, प्रस्तावना, चुंबक धारा पंजरिका का चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय बल रेखाएँ और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, जैसे बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पे लगने वाला बल, ओके, लॉरेंज बल कहलाता है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हो चुका है लॉरेंज बल। वेग फिल्टर अथवा वेग वर्णनकारी हम लोगों ने देखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओके, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक में बल की व्याख्या हम लोग करनी है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पे लगने वाला चुंबकीय बल, उसकी दिशा हमको चेक करनी है। और इसमें विशेष रूप से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और नंबर टू पे है दाएं हाथ के थ्योरी का नियम। ओके, और उसके बाद देखिए, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, जो कि बोर्ड में पूछे आते हैं, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। ओके, तो हम लोग इतने टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि हम लोग का है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओके, चेक करने टॉपिक क्या हम लोग का है, टॉपिक हम लोग का है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये हम लोग का आज का पहला टॉपिक है। वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर अ न्यू टॉपिक, दैट इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, आपने चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है, आवेशित कण का मतलब निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होना चाहिए, ठीक है ना। और जब ऐसे कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला गया है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है, तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू एंटर इन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए, कुल तीन प्रकार की स्थितियाँ संभव हैं। जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की हम लोग बात करते हैं, तो निम्न तीन स्थितियाँ, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके ना, और देखिए, पॉसिबिलिटी का मतलब है कि किस एंगल पे वो कण प्रवेश करे। तो हम लोग देखिए, पहला जो एंगल बनता है, पहले जो पॉसिबिलिटी है वो है कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छेद के समांतर या फिर प्रति समांतर दिशा में प्रवेश करता है। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, आपको टॉपिक के लैंग्वेज को समझें, इनका जो दिया गया उसके महत्व को समझें। ओके, अब जहाँ पे आवेशित कण की बात कर रहे हैं, तो हम लोग आवेशित कण क्यों लेके चलते हैं। ओके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो हम लोग बी लेके चलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और समांतर का मतलब है कि थीटा का मान शून्य होगा, ध्यान देंगे। जब ये कहेगा पैरेलल, देन थीटा विल बी जीरो। और एक और शब्द देखिए इस्तेमाल किया गया है, यहाँ लिखा है प्रति समांतर। ओके, दैट सेकेंड वर्डिंग इज हेयर, प्रति समांतर, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि ये थीटा जो आपने शून्य लिखा हुआ है, इसको आप पलट देंगे तो थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, आप फिर समझ लें, समांतर का मतलब क्या होगा, थीटा का मान शून्य होना चाहिए, और प्रति समांतर का मतलब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 180। और जब ये आवेशित कण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा, तो निश्चित रूप से उसका वेग वी माना जाएगा। ओके, तो इस पर देखिए चुंबकीय बल लगता है, लॉरेंज बल आपने पढ़ रखा है। लॉरेंज बल एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जो एफ था, एफ इजकल टू दैट वाज क्यू वी बी साइन थीटा। इसका अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग एक के माध्यम से किया हुआ है, तो उसी का निष्कर्ष, उसी का जो समरी है, उसका जो सारांश है, वही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ इजकल टू क्यू वी साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन लगाना है, या तो वो तो पैरेलल एंट्री करेगा, एंटी पैरेलल एंट्री करने वाला है। ओके,
पैरेलल शून्य दिखा देंगे, एंटी पैरेलल 180 दिखा देंगे। थीटा का मान देखिए शून्य है या थीटा का मान 180 है, दोनों ही केसेस में साइन जो होगा साइन 0 0 होगा, साइन 180 भी शून्य होगा। ओके, एक बार फिर समझ लें, जब जब एंगल शून्य हो या फिर एंगल आपका 180 हो, ओके, तो दोनों ही कंडीशन में जो साइन की वैल्यू होगी, साइन 0 कहेंगे तो ये भी शून्य होगा, और साइन अगर हम लोग 180 लिखेंगे तो यहाँ भी ये भी मान शून्य होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों केसेस हो जाएंगे। देखिए डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम को स्पष्ट तरीके से देख लें। ओके, देखिए पहले वाले में जब एंगल देखिए शून्य दिखाया गया है, ये आपका चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, ये जो दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ओके, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जब इसमें आवेशित कण जो है क्यू वी वेग से एंट्री करेगा, किस एंगल पे, शून्य पे, शून्य का मतलब समांतर पैरेलल, तो उस कंडीशन में जो आपका फोर्स होगा शून्य हो जाएगा। देखिए ऊपर शो किया गया है एफ इक्वल टू क्यू वी साइन 0 एंड द फोर्स विल बी 0। ओके, इसका मतलब है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो इस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। ओके, देयर इज नो एनी मैग्नेटिक फोर्स टू बी एक्ट ऑन पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज गोइंग टू बी एंटर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए सेकेंड केस ये बन जाएगा। सेकेंड वाले में क्या चेक कर लें, सेकेंड वाले में देखिए एंगल आपका 180 दिया हुआ है। मैं फिर आपको बताता हूँ, ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा जो कि यूनिफॉर्म दिखाई गई है, और यहाँ पे जो आवेशित कण होगा वो इस दिशा में गतिमान होगा, एंटी पैरेलल। ये क्या था, पैरेलल, ये एंटी पैरेलल। तो आपको एंगल का ध्यान रखना है, पैरेलल में एंगल शून्य हो जाएगा और एंटी पैरेलल में एंगल 180 हो जाएगा। देखिए लिखा भी क्या है, आप इसको चेक कर लें, शून्य है यहाँ 180 है, इसकी डायरेक्शन देखिए ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। ओके, तो डेफिनेटली इन दोनों ही केसेस में जबकि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, यहाँ पे जो थीटा शून्य हो या फिर 180 हो, दोनों ही कंडीशन में चुंबकीय बल का मान शून्य हो जाएगा। देयर विल बी नो एनी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ओके, लेकिन निष्कर्ष भी निकाला गया है कि अतः चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अथवा प्रति समांतर प्रवेश करने पर आवेशित कण पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, जिस कारण चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण होता है बिना किसी विचलन के अपने पूर्व पथ में ही गतिमान रहता है। ओके, देर विल बी नो एनी डेविएशन ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टू बी एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल पैरेलल और एंटी पैरेलल। ओके, उसमें उसके डायरेक्शन में कोई डेविएशन नहीं होगा, उसके पथ में कोई विचलन नहीं होना चाहिए। ओके, डायग्राम की मदद से आपने इसको सीख लिया है। अब हम लोग देखिए अगला केस, इसमें तीन केस बताए गए हैं, अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, एंड द सेकेंड केस इज सच दैट व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टू बी एंटर विद द राइट एंगल और परपेंडिकुलर। ओके, क्या लिखा है, लंबवत, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो हमें यहाँ पे फोर्स चेक करना है, वी हैव टू चेक द फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टू बी एंटर परपेंडिकुलर। ओके, तो चेक कर लें विद्यार्थियों, देखिए जब माना आवेशित कण क्यों है, एम द्रव्यमान का कोई कण दिखाया गया है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में जो कि कागज तल के दिशा के लंबो अंदर की ओर है, वी वेग से गतिमान है, ठीक है ना, मतलब इन दोनों की दिशाएं, ध्यान दें इस लैंग्वेज का सीधा मतलब है कि दोनों की दिशाएं बी की दिशा और वी की दिशा। ओके, बी की दिशा और वी की दिशा अभी फिलहाल आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके, मतलब अगर ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है, ओके, तो ये दिशा जो है आपका वेग इस वेग से प्रवेश करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल यहाँ पे 90 आप दिखा सकते हैं, लंबवत देखिए लिखा भी गया है, लिखा गया है, चाहे आप बाईं ओर से प्रवेश करें चाहे दाईं ओर से प्रवेश करें। ओके, तो इस प्रकार से देखिए जब आपने कह दिया कि एंगल 90 है तो निश्चित रूप से जो चुंबकीय बल होगा, एक बार फिर आप लॉरेंज फोर्स लगा देंगे, एफ यू वी क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, और थीटा कितना हो जाएगा, 90, और साइन 91 होता है,
द फोर्थ विल बी मैक्सिमम क्यू वी बी, ये फोर्थ हो जाएगा ओके। और इसकी दिशा हमें निकालनी है कि जो फोर्थ यहाँ पर लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन याद करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ओके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग जो फोर्थ की डायरेक्शन होगी वो वी और क्यू सॉरी वी और बी इन दोनों के लंबवत होगी ओके। एक बार फिर आप चेक कर लें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या आपका आवश्यक कण इस दिशा में मान लीजिए प्रवेश करता है वी वेग से, तो जो फोर्स होगा वो इन दोनों के लंबवत होगा ओके। द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द चार्ज पार्टिकल ओके। तो ये आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निष्कर्ष, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं ओके। आगे बढ़े हम लोग फ्लेमिंग के, देखिए बाएं हाथ के नियम के भी बता दिया गया है कि दिशा जो होगी के लंबवत होगी और उसके कारण कर्ण पे कोई कार्य नहीं किया जाता है और जिस कारण कर्ण की गति ऊर्जा नियत रहेगी ओके। कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी कंजर्व्ड, कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी कॉन्स्टेंट ओके। अब आप थोड़ा डायग्राम पे निगाह डाल लें, इम्पॉर्टेंट डायग्राम रहा है हमेशा के लिए। अब जैसे मान लीजिए जो क्रॉस दिखाए गए हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है जो कि कागज के तल के लंबवत है ठीक, वेरी गुड। अब देखिए अगर इसमें कोई आवेशित कण क्यू वी वेग से प्रवेश करता है परपेंडिकुलरली ओके ना, जब प्रवेश करता है तो एक्चुअली इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ये दिखाया गया एफ एम, आप कहीं भी शो कर लें, जैसे बिंदु पी पे हम बात करते हैं, बिंदु पी हो या क्यू हो या आर हो या एस हो ओ माना गया देखिए यहाँ पे ठीक है ना। तो बिंदु पी हो क्यू आर एस आर ओ कहीं भी आप पॉइंट मान लें, तो इन सभी पॉइंट्स पे अगर आप बी दिखाते हैं इस प्रकार से ओके, तो फोर्स जो होगा वो सब अंदर दिखेगा, जितने भी फोर्स लगेंगे एफ एम के फॉर्म में। एफ एम का मतलब क्या है, एफ का मतलब फोर्स एंड एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओके। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, क्या कहेंगे इसको मैग्नेटिक फोर्स ओके। एंड यू कैन सी हेयर, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी फोर्स एफ एम लग रहा है वो सभी फोर्स की जो दिशाएँ हैं वो केंद्र की ओर हैं, इसका सेंटर हो जाएगा, ये सभी फोर्स केंद्र की ओर हो जाएंगे ठीक है। तो चुंबकीय बल के, देखिए चुंबकीय बल जो एफ एम आपने दिखा दिया, चुंबकीय बल के प्रभाव से कण जो है नियत चाल से वी से वृत्ति पथ पे गदगद करने लगता है। इन द सर्कुलर पाथ द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू बी स्टार्टेड द मोशन ओके। अब दिशा लेकिन लगातार बदलती रहेगी, देखिए यहाँ दिशा चाल की कुछ और है, यहाँ चाल की दिशा कुछ और है, यहाँ चाल की दिशा कुछ और है, लेकिन इन चारों बिंदुओं पर चाल की दिशाओं में फर्क होने के बावजूद जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। एफ एम विल बी एक्ट इन साइड, अंदर की ओर काम करेगा, केंद्र की ओर काम करता है। तो निश्चित रूप से जो कर्ण का जो पथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट चिल्ड्रेन, ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। जब कोई आवेशित कण क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र दिशा से 90 एंगल पे या लंबवत प्रवेश करता है वी वेग से, तो इसका जो पथ होगा वो एक सर्किल होगा ओके। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सर्किल ओके। तो हम लोग आगे बढ़ें और चेक करते हैं कि क्या है। देखिए इसमें चुंबकीय बल के प्रभाव में कण एक नियत चाल से गतिमान रहता है, उसकी दिशा बदलती है, लेकिन जो देखिए अब यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान दें विद्यार्थियों की, जब आपने देखा कि जो कण है एक सर्किल में इस प्रकार से मोशन करता है, तो सर्किल में मोशन करने का मतलब आपको याद आता होगा फर्स्ट ईयर का टॉपिक अभिकेंद्र बल ओके। एक फोर्स हमने ये दिखा दिया है एफ एम के फॉर्म में, ये कौन सा है, ये मैग्नेटिक फोर्स है ओके। और दूसरा जो फोर्स होगा वो आपका अभिकेंद्र बल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी कोई पार्टिकल कोई कण कोई पिंड सर्किल में इस प्रकार से मोशन करता है तो वहाँ कुल मिला के दो बल कार्य करते हैं, एक ऐसा बल जो दूसरे बल अभिकेंद्र बल को बैलेंस करे।
तो यहाँ पे जो FM उत्पन्न होता है चुंबकीय बल, ये एक और बल अब गेंद बल को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे जो वृत्ति पथ में दो प्रकार के बल हम देख सकते हैं, ओके। चूँकि यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ में देखिए, चूँकि हमें यहाँ पे वृत्ति पथ पे गति करना है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होगा उसको चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। यदि कण की त्रिज्या आर है, उस त्रिज्या में यदि गतिमान है, तो देखिए यहाँ वृत्ति पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। अब केंद्र बल किसके बराबर है? चुंबकीय बल के, ओके। समझ लें फिर से, अब केंद्र बल किसके बराबर है? चुंबकीय बल के। अब केंद्र बल आपने पढ़ा हुआ है एम बीच का अपन आर, यह अब केंद्र बल का फॉर्मूला है। और चुंबकीय बल आपने यहाँ पढ़ा हुआ है भाग एक के माध्यम से क्यू वी बी लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। दोनों बलों को बराबर दिखाया गया है, ओके। कौन कौन से बल? आपने अभी केंद्र बल को वृत्ति बल के बराबर दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो केंद्र बल है वो एम बी स्क्वायर अपॉन आर है इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल है FM। आप जानते हैं कि यहाँ पे थीटा का मान चूंकि 90 है, थीटा कितना है 90, तो ये चीज़ हट जाएगी और ये एक भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आर को ऊपर ले जाएंगे, एम बी ऊपर रहेगा, क्यू बी नीचे आएगा। ये उस पथ की त्रिज्या आप प्राप्त कर रहे हैं जो जिस पथ में आप उस आवेशित कण को गतिमान देख पाते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे शो किया गया है, इसको आप समझ लें। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपको मालूम होनी चाहिए, इस पर सवाल भी आते हैं और थ्योरी भी महत्वपूर्ण है, ओके। तो अब वृत्तीय पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होगा चुंबकीय बल के बराबर दिखाते हैं। ये फॉर्मूला अभिकेंद्र बल का है, ये चुंबकीय बल का है। यहाँ पर यहाँ थीटा का मान कितना है? 90 बन जाएगा, ओके। तो वी का जाएगा तो आर की वैल्यू देखिए, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या एम बी अपॉन क्यू वी के फॉर्म में, इक्वेशन फर्स्ट। एम बी क्या है? ये संवेग है, आपको मालूम होना चाहिए। एम इन टू वी क्या होता है? कण का संवेग। तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी उसके संवेग की समानुपाती। और देखिए दो चीज़ें विद्यार्थियों, एक तो एम बी देखिए ऊपर दिखाया गया है, आर का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू बी, ये संवेग हो जाएगा। नीचे क्यू इंटू बी आया हुआ है, ओके। तो आर जो होगा, जो पथ की त्रिज्या होगी वो संवेग की समानुपाती होगी, और जो R की वैल्यू होगी वो Q के वितमान पाती, और R की जो वैल्यू होगी वो B की भी होगी, ओके। तो ये कुछ निष्कर्ष आप देख पाते हैं। तो वृत्तीय पथ पे इस प्रकार से गतिमान कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर पथ की त्रिज्या निकालने, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालने, तो उसका त्रिज्या जो है संवेग के समानुपाती होगा, और बाकी दो राशियाँ हैं क्यू और बी के वितमान पाती। क्यू का मतलब कण का आवेश हो जाएगा और बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो ये चीज़ आपने देखा है, एक्स्ट्रा शॉर्ट में आ जाएं। देखिए आपको पहले भी मैंने आपको ये हिंट किया हुआ है, एक चीज़ आपको बारीकी से समझ लेना है। क्या समझना है? कि आवेशित कण के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, चेक कर लें एक बार फिर से, आवेशित कण के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। ये मैंने आपको पहले भी इशारा किया हुआ है, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड द मास ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज द स्पेसिफिक चार्ज, क्यू अपॉन एम कहलाता है। और गतिमान आवेश की त्रिज्या विशिष्ट आवेश के समानुपाती है। आपने देखा भी, क्योंकि जो आर का फॉर्मूला आपने देखा, आर का क्या था? एम वी अपॉन क्यू वी। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एम वी के ऊपर, हम तो वी के ऊपर चलने देते हैं जैसे चल रहा है, और नीचे लिख देते हैं क्यू अपॉन एम इंटू बी, ओके। अब आप यहाँ ध्यान दें विद्यार्थियों कि जो आर की जो वैल्यू है वो क्यू अपॉन एम के वितमान पाती है, क्योंकि नीचे आ रहा है ये, ओके। आर का जो मान है, जो पद की त्रिज्या है, वो उसके विशिष्ट आवेश के वितमान पाती है, क्योंकि क्यू अपॉन एम नीचे पहुंच रहा है, और क्यू अपॉन एम जो है वो विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। आगे हम लोग टॉपिक और को रिलेट करते हैं बाकी टॉपिक्स से। तो कण की अगर गतिज ऊर्जा के फॉर्म में शो की गई है, गतिज
ऊर्जा संवेग में संबंध यह आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और जिन विद्यार्थियों के इसमें कन्फ्यूजन है, नहीं पता है, तो मैं आपको फिर एक बार इसको बता देता हूँ। ओके, तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे हमें चेक करना है गति ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली संबंध कहाँ से आ रहा है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। के का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये आप सब जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ये के का फॉर्मूला है। और के स्क्वल टू, दो को ऊपर जाते हैं, टू के स्क्वल टू एम बी स्क्वायर, क्या किया, दो को ऊपर ले गए हैं, टू एम के, के से गुणा कर लिया है, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब ये जो लिखा गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यही संवेग है। क्या है ये, संवेग। तो मैं यहाँ लिखूँगा पी स्क्वायर, क्या लिखने वाला हूँ, पी स्क्वायर स्क्वल टू टू एम के। ओके, तो यहाँ से पी की वैल्यू देखिए मिल गई है, रूट में कितना, 2mk। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि ये जो फॉर्मूला आप आगे देख पाते हैं इस फॉर्म में, वो यहाँ से प्राप्त होता है। k का फॉर्मूला देखिए, गति ऊर्जा का हाफ एम स्क्वायर सब लोग जानते हैं, दो को ऊपर लाएंगे तो 2k बन जाएगा, 2k इक्वल टू एम बी स्क्वायर, दोनों पक्षों में m से गुणा कर लिया है, तो ये राइट हैंड पे आपका संवेग का स्क्वायर बन जाएगा। तो कुल मिला के p का जो फॉर्मूला बनता है वो रूट में 2mk हो जाएगा। ओके, तो ये एक संबंध है आपका गति ऊर्जा और संवेग में, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। और देखिए इसको इस फॉर्म में शो किया गया है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। गति ऊर्जा के है और संवेग कितना है, पी। ये गति ऊर्जा के दिखाया गया है, संवेग को पी से दिखाया गया है, दोनों में संबंध ये दिखा दिया है, तो पी इसका रूट में 2mk, मैंने आपको पीछे दिखा दिया इसको। और एम बी की जगह पे एक्चुअली ये जो लिखा गया है पी, पी है क्या, पी है एम इन टू बी। ओके, हम लोग का जो फॉर्मूला निकल रहा है आर इक्वल टू निकल रहा है एम बी अपॉन क्यू बी। ओके, आर इक्वल टू ये जो एम बी लिखा गया है, एम बी का मान पी है, इसको आप लिखिए पी अपॉन क्यू बी। ओके, अब पी का मान कितना है, पी का मान है रूट में 2mk, 2mk ऊपर हो जाएगा और क्यू बी आ जाएगा नीचे, ध्यान देंगे। ओके, ये आर की वैल्यू जो आ रही है 2mk अपॉन क्यू बी, ध्यान देंगे। ये आपका नया फॉर्मूला देखिए बन गया है, इसका मतलब ये कि जब आपको क्वेश्चन में गति ऊर्जा का मान दिया जाएगा तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन सेकेंड के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना जब गति ऊर्जा के का मान, आवेश क्यू का मान, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान और मास एम का मान दिया रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से आपने वृत्ताकार पथ पे जो गतिमान कण के पथ की त्रिज्या है उसके दो फॉर्मूले चेक कर लिए हैं। एक पीछे आपने फॉर्मूला देखा था क्यू वी अपॉन एम बी, एम बी अपॉन क्यू वी के फॉर्म में, और सेकेंड फॉर्मूला आपने यहाँ चेक कर लिया है। ओके, अभी और हम लोग को काम करना है इस पर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से ये सब आपका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, गतिमान आवेशित कण बी विभांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो गति ऊर्जा, अब ये कहाँ से आ रहा है। देखिए विभांतर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा, बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, अब यहाँ डब्ल्यू का मतलब कार्य है, कार्य का मतलब गति ऊर्जा, गति ऊर्जा के है के अपॉन क्यू। ओके, तो यहाँ से के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू इंटू बी। तो ये संबंध आप चेक कर लें, यह संबंध है गति ऊर्जा और विभांतर वी का, के इक्वल टू क्यू बी, ये शो किया गया है। तो इस फॉर्मूले में देखिए जो आपका के था, के स्थान पे क्या लिख देंगे, के स्थान पे लिखेंगे क्यू इंटू वी, उससे एक क्यू कट आएगा, एक क्यू नीचे बचेगा, तो एक फॉर्मूला देखिए भी आ गया है। बेसिक आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले क्लियर होंगे तो आप ऑन द स्पॉट, मतलब परीक्षा हाल में भी जो है बोर्ड की परीक्षाएं चलती हैं बहुत टेंशन रहता है, तो उसमें सारे फॉर्मूले दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो आप उसी समय तुरंत नए फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बनाए गए हैं, ये है इसके द्वारा ये बनाया गया है ना, तो ये आपका देखिए थर्ड फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। और आगे चलते हैं, देखिए अगर निश्चित रूप से
आवेशित कारण वृत्ताकार पथ घूमता है तो उसे परिक्रमा काल टी है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टी शो किया गया है। समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल, और दूरी का मतलब यहाँ पे परिधि है। ओके, परिधि का मतलब अगर त्रिज्या दिखाई गई है तो सर्कमफेरेंस 2πr हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। फिर समझ लें टी का जो फॉर्मूला है 2πr अपॉन वी, कई जगह इस्तेमाल किया गया है ये, समय या फिर टाइम ऑफ रिवोल्यूशन परिक्रमा काल अगर आपको निकालना है तो परिधि, परिधि देखिए 2πr के फॉर्म में हो जाएगा अपॉन चाल, वी के वी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आर जो आपने प्राप्त किया था पहले इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये शो किया गया था, तो वो फॉर्मूला आर का वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ऐसा करने पर टी का मान देखिए ये प्राप्त हो गया। ओके, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन पूछता है परिक्रमण काल निकालने को तो आप सीधा ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर का मान आपको मालूम रहेगा या निकाल चुके होंगे पहले ही, और बी का मान भी आपको मालूम होगा, दोनों को मान के यहाँ बैठा देना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्मूले की बात चलती है तो फॉर्मूले में आप यहाँ पे आर की वैल्यू एम बी अपन क्यू बी यहाँ दिखाएंगे तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। यह आपका परिक्रमण काल हो गया है, जिससे टाइम ऑफ रिवोल्यूशन अवलोकित करते हैं कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति, वी आर गोइंग टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, वन अपॉन टी के फॉर्म में दिखाई गई है, एन का फॉर्मूला, मतलब इसी मान को आपको पलट देना है, ध्यान देंगे, यू हैव टू रिवर्स द गिवन वैल्यू ऑफ द टी, तो टी का फॉर्मूला ये था, इसको आपको पलट देना है, पलटने पे देखिए एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जो कि इसी का रिवर्स है। ओके, किस फॉर्म में है, एन का फॉर्मूला, इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्यू बी अपॉन टू पाई एम बन जाएगा, इसी का रिवर्स है, लेकिन सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, इसको आप क्रमांक, ये पांचवा फॉर्मूला बन जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी देखे निकल गया है। और इन दोनों से चाहे ये फॉर्मूला हो, टी का फॉर्मूला हो या पेन का फॉर्मूला हो, क्लियर है कि इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं आ रही है। ओके, जो जो टी का फॉर्मूला बनेगा परिक्रमण काल का या जो फ्रीक्वेंसी का, उसमें भी नहीं आ रहा है। और इतना होने के बाद देखिए हम लोग के दो जो कंडीशन थे, दो स्थितियाँ, दो पॉसिबिलिटी हम लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग का तीसरा और आखिरी जो आपका कंडीशन है कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा के समांतर या लंबवत, इसमें नहीं आना है, ध्यान दें जो लिखा गया है इसमें प्रवेश नहीं करना है, बल्कि इसके अलावा किसी अन्य एंगल में अगर प्रवेश करता है तब क्या कंडीशन होने वाली है। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छेद के समांतर या लंबवत छोड़कर किसी अन्य कोण थीटा पर प्रवेश करता है, ठीक है, हम लोगों ने देखिए पीछे समांतर चेक किया था, समांतर में थीटा का मान शून्य हो गया था, प्रति समांतर में थीटा का मान 180 हो गया था। ओके, लंबवत चेक किया तो लंबवत में थीटा का मान 90 हो गया था, लेकिन यहाँ पे अब कोई एंगल विशेष नहीं देगा बल्कि थीटा ही लेके चलना है। ओके, तो अगर थीटा हमें एंगल शो किया गया है, थीटा एंगल पे फोकस करना है, और थीटा एंगल से अगर प्रवेश करता है कोई गतिमान आवेशित कण Q m द्रव्यमान का है तो v वेग से, तो क्या कंडीशन बनेगा, ये पहले डायग्राम है ये। ओके, अब इसमें देखिए आपको ये समझना है कि जो कण के वेग के जो दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक, तो क्षैतिज घटक जो है वो b की दिशा में होना चाहिए, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दो जो घटक होंगे उसमें एक वी साइन थीटा होता है और दूसरा घटक जो है वी कॉस थीटा होता है। ओके, तो ये जो घटक होगा वो वी की दिशा में होना चाहिए, ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी साइन वाला, ये जो है कण को वृत्ति गति प्रदान करेगा, तो इन दोनों गतियों के परिणाम स्वरूप एक्चुअली दोनों यहाँ पे दोनों जो हैं वो इस्तेमाल में होने वाले हैं, बी के जो दोनों कंपोनेंट हैं, बी का जो पहला कंपोनेंट है कॉस वाला मान, ये जो है एक्चुअली में रिज रेखीय गति प्रदान करेगा, ध्यान देंगे, और बी का दूसरा जो कंपोनेंट है वी साइन थीटा के फॉर्म में,
ये इसको वृत्ति गति प्रदान करता है। ओके, तो रिज रेखीय गति मतलब सीधा और वृत्ति गति मतलब गोल, मतलब ये एक हेलिक्स बना देगा, कुंडलिनी के फॉर्म में मोशन होने लगता है। और यहाँ अगर आपको पद की त्रिज्या निकालनी है तो ये MB/QB हो जाएगा। ओके, बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, हालांकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका केस चल रहा है, दिस इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, आप जो ऊपर पढ़े थे फर्स्ट सेकेंड केस वही आपको ध्यान से देख लेना, लेकिन अगर मान लीजिए कि थीटा एंगल दिया तो आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आप उसमें जो चीज़ें लिख सकें। आपने क्या सीखा, वी कॉस से क्या होगा, रिज रेखीय गति प्राप्त करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन से क्या होगा, वृत्ति गति प्रदान करेगा, दोनों गतियों का जो परिणाम होगा वो हेलिक्स पाथ बनाएगा, कुंडलिनी का पथ बनाएगा। त्रिज्या निकालनी है तो MB/QB के अलावा साइन भी देखिए लग जाएगा। ओके, बाकी चीज़ आप यहाँ से निकाल लें, त्रिज्या उसके अलावा देखिए टी निकालना है तो टी का फॉर्मूला वही चलेगा जो आपने पीछे निकाला था, आवृत्ति निकालनी है तो उसका भी फॉर्मूला वही चलेगा जो आपने पीछे निकाला था। ओके, अब पिच आपको निकालना है, पिच निकालने के लिए कुंडलिनी का पिच निकालना है तो एक्चुअली कर्ण प्रत्येक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितना विस्थापित होता है उसे पथ का पिच कहते हैं, उसको पी से शो करना है। अब पी का फॉर्मूला हो जाता है जो आपका कितना विस्थापन, मतलब हमें कॉस सीखना पड़ेगा, कॉस में आधार आता है। ओके, पी कॉस इंटू टी कर लेंगे, टी का मान आपको मालूम है, टी का मान शो कर देंगे। ओके, तो चौथा इक्वेशन बन जाएगा, इस प्रकार से समापन हो जाता है इस टॉपिक। और कुछ यहाँ देखिए एक डायग्राम आपके सामने शो किया गया है जहाँ पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा शो किया गया है। ओके, और इसमें कोई चालक क्षण, इसमें करंट आई फ्लो होता है, देखिए ये क्षण कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट आई इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्लेस्ड विद एंगल थीटा, तो यहाँ पे इस चालक छड़ पे कितना फोर्स लगेगा। ओके, ये आपको चेक करना है, ये हमका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये जो डायग्राम आप देख पाते हैं ये आपका अगला टॉपिक होने वाला है, गतिमान आवेश पे बल से धारावाहिक चालक पे बल की व्याख्या। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ओके, तो हम ये देखने वाले हैं, अभी दर्द हम चेक करें कि यदि कोई धारावाहिक चालक का टॉपिक चेक कर लें, गतिमान आवेश पे बल से धारावाहिक चालक पे बल की व्याख्या करनी है। तो मैंने आपको डायग्राम में हिंट किया ऊपर, तो देखिए वही चीज़ जो किया गया है तो इसको आप चेक कर लें पहले, और देख पाते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी शो किया गया है जो कि ऊपर भी आपने देखा था, अभी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और ये एक धारावाही चालक है। इतना जो पोर्शन आपको दिखाया गया ये क्या है, धारावाही चालक, क्लियर, इसकी लेंथ एल है चालक की और इसमें करंट आई है, क्षेत्रफल भी शो किया है, क्षेत्रफल इसका ए दिखा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र बी दिखाया गया है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है इसे। ठीक है, तो हमें यहाँ फोर्स चेक कर लेना है कि द फोर्स दैट इज गोइंग टू बी एक्ट इन दिस कंडीशन, ओके, कितना उसका परिमाण होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज, पहले प्रत्येकांक चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए एन से शो की गई है। चालक में यदि आई करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन भी वृद्धि हो जाता है। आई का फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से, इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में शो किया गया है, आई इक्वल टू MeaVD, चेक कर लें फिर से। ओके, क्या लिखा गया है, आई इक्वल टू MeaVD, ये आपका वैद्युत धारा और अनुगमन वेग का संबंध है जो कि आपने वैद्युत धारा में पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये देखिए संबंध हो चुका है, अब आपको लॉरेंज बल पता है, लॉरेंज बल कितना है, चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेगी की जाएगी, चूँकि क्षेत्र लगेगा, चूँकि क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल F=QB sin θ होता है, तो यहाँ पे Q की जगह पे E शो कर दिया है। ओके, और B की जगह VD लिखा है क्योंकि अनुगमन वेग से जो है इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए एफ का वैल्यू आ गया ई वी डी साइन थीटा। चालक का आयतन दिखाते क्योंकि क्षेत्रफल ए है, ध्यान देंगे क्षेत्रफल कितना दिखाया गया है ए, चालक की लंबाई कितनी है एल, क्षेत्रफल ए शो किया है, लंबाई एल दिखाया गया, तो आयतन कितना हो जाएगा ए इंटू एल। ओके, पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकाल लेनी है। तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कैसे निकालनी होगी, उसमें आपको जो है जो ए प्रति एकांक में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें गुणा कर देंगे चालक का आयतन से, तो ये आयतन कट जाएगा, तो ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये आपने कुछ नहीं किया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने एन माना हुआ है प्रति एकांक आयतन में, क्षेत्रफल इंटू लंबाई आपका आयतन बना देगा ए इंटू एल, तो ये पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। अब आपको धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल निकालना है। ओके, फोर्स निकाल लेना है। फोर्स कैसे निकालना है, आप टोटल फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है, कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखो ये एन को ई को ए को वी डी को साथ में कर लिया है, बी एल साथ ही अलग कर लिया है, और ये जो एन ई ए वी डी बन रहा है यही आई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने भी ऊपर देखा है एन ई ए वी डी जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, ये आपका आई है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा के रूप में प्राप्त होता है। एक बार फिर चेक कर लें आप लैंग्वेज को, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या दिखाई गई है, चालक में इधर प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन वी डी अनुगमन वेग से गतिमान हो जाते हैं, ये एक संबंध जाता है जो कि आपने पढ़ा है, छोड़ो इन्हीं वी डी से लॉन्च बल दिखा देना है, लॉन्च बल का ये फॉर्मूला बन जाएगा। चालक का आयतन निकाल लेना ए इंटू एल से शो किया गया है। अब पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देना है ए इंटू एल बन जाएगा, एन इंटू ए एल। ओके, संपूर्ण धारावाहिक चालक पर लगने वाला फोर्स निकालना है, लॉरेंज बल इंटू मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, तो कुल मिला के एन ई ए वी डी जो है आई बन जाएगा, और ये आपका जो है एक नया फॉर्मूला धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल जो है वो एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर हम लोग क्या बना है, बना है एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा या आई बी एल साइन थीटा, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब आपको ये ध्यान देना है कि आई बी एल लिखा हुआ है ये, ओके, ए बी साइन थीटा के फॉर्म में, तो एफ इक्वल टू अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो आई को आपको बाहर कर लेना है, अब बी क्रॉस एल, बी पे वेक्टर एल पे वेक्टर लगा देना है, तो ये आपका जो वेक्टर फॉर्म है फॉर्मूले का वो प्राप्त हो जाता है। तो मेरे ख्याल से स्थितियाँ सब क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एल सदिश है बी सदिश है, तो सदिश फॉर्म में आप इसको इस प्रकार दिखा सकते हैं, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल उसका व्यापक सूत्र हो जाता है। कुछ कंडीशन लगा के दिखाते हैं यहाँ पे, जो ऊपर फॉर्मूला बना था ये, इसमें कुछ कंडीशन बनाते हैं, जैसे कि यदि धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर है, देखिए डायग्राम में ऊपर चेक कर लें, ऊपर जो डायग्राम आपको दिखाया गया था उसमें कुछ केस बनते हैं, अगर आपने ये दिखाया चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, ओके, और यदि इसमें इसमें जो चालक है, चालक मान लीजिए कुछ ऐसे रखा जाए इस दिशा में, उसकी लेंथ एल है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा कितना होगा आपको वो चेक कर लेना है, और उसके अलावा यदि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत मतलब ये चालक क्षण रखा जाता है तो उस समय कितना होना चाहिए फोर्स, अब आपको वो भी चेक कर लेना है। ओके, तो यहाँ जो कंडीशन बनाई गई है वो इसी के लिए बनाई गई है, तो आप चेक करें कि जो केस बनाए गए हैं, तो पहला केस अगर मान लीजिए समांतर की बात करता है हो या 180 हो, ये थीटा शो पढ़ेंगे अपने, ये थीटा है, ये थीटा शून्य हो या फिर 180 हो मतलब समांतर की बात करेगा, तो वहाँ कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा। ओके, धारावाहिक चालक पर कोई बल कार्य नहीं करेगा अगर वो समांतर रखा गया है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है, और यदि लंबवत रखा जाएगा, मैंने आपको रखा है ऊपर, तो लंबवत का मतलब थीटा 90 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स काम करेगा आई बी एल, लेकिन लिखा गया अधिकतम बल इतना कार्य करता है, और इसकी जो बल की जो दिशा होगी वो बी और एल दोनों के लंबवत होती है, ठीक है ना,
अक्ष की दिशा बेसिकली हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या हाथ दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से याद कर सकते हैं। ओके, हम लोग उन दोनों नियमों को यहाँ देखने भी वाले हैं विद्यार्थियों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखने वाले हैं और हथेली का नियम भी देखने वाले हैं। ओके, तो चेक कर लें, जैसे ये कंडीशन अगर इस प्रकार से बनता है, आप ध्यान दें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चुंबक शो किया गया है इस फॉर्म में, चुंबक का देखिए ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये कोई धारावाहिक चालक छड़ है, क्या है ये करंट कैरिंग कनेक्टर, इसमें करंट फ्लो होता है आई। ओके, तो देखिए बी की दिशा दिखाई गई है नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर, ये बी की दिशा हो जाती है, तो इस चालक पे जो फोर्स लगेगा देखिए यहाँ से दिखाया गया है। ओके, द फोर्स ऑन द बॉडी विल बी एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब। ओके, तो कुछ ऐसा ही आप हम लोग का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो हम लोग चेक करते हैं पहले, अच्छा नियम बाद चेक करेंगे, कुछ और चीज़ देख लेते हैं। हमको एक्चुअली यहाँ पर डिफाइन भी करना है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, आपने देख लिया है, उससे अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, और कुछ कंडीशन हम लोग लगा देते हैं, और कंडीशन का मतलब है कि यदि आप ये फॉर्मूला प्राप्त कर लेते हैं टेस्ला के फॉर्म में या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के फॉर्म में, तो यहाँ आप फोर्स को 1 न्यूटन दिखा दें, आई को 1 एम्पियर दिखा दें, एल को 1 मीटर दिखा दें, थीटा 90 दिखा दें, तो ये बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो देखिए आपका ये फॉर्मूला बी का बना हुआ है। अब यहाँ से अगर आप एफ को 1 न्यूटन मान लेते हैं, आई को 1 एम्पियर मान लेते हैं, एल को 1 मीटर, थीटा 90 मान लेते हैं, तो बी का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर प्राप्त होता है। अब यहाँ से आपको चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करना है। ओके, जो कि इस प्रकार से बनता है कि 1 मीटर लंबाई के सीधे रेडियो रेखीय चालक तार में जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है को किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर 1 न्यूटन के बल कार्य करे, तब उस चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। ओके, तो ये इसकी लैंग्वेज आएगी, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके लिख लेना है, क्योंकि कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा इस टॉपिक के आधार पे पूछ लेता है। ओके, तो ये इसकी लैंग्वेज जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, आपने जो पढ़ा अभी तक पूरा समरी देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में कुछ ऐसे शो किया गया है, वी हैव चेक द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन साइड मैग्नेटिक फील्ड देन द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ना कहें बल्कि यहाँ पे जो भी आपने फोर्स निकाला है बिल साइन थीटा, उस फॉर्म में देखिए निकाला गया है ये। ओके, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र शो कर दिया है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, थीटा एंगल पे है, उसकी लेंथ एल दिखाई गई है, बी क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा टेस्ला के फॉर्म में, आई का मतलब लेंथ, एल का मतलब लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द फील्ड, थीटा एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द कनेक्टर। ओके, द फोर्स इज द मैक्सिमम व्हेन द कनेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ओके, थीटा जब 90 होगा तो निश्चित रूप से फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और थीटा अगर 0 है तो फोर्स का मान भी 0 हो जाएगा, बिकॉज द कनेक्टर इज द पैरेलल टू द फील्ड। ओके, अब हम लोग की बारी है चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी बल, इन सब के द्वारा जो बल की दिशा हमें चेक करनी होगी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। ओके, गोइंग टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान या स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है, उसकी दिशा हम लोग 2 नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 2 नियम देखिए बताए गए, पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, और दूसरा जो है हथेली का नियम है, हम लोग उसको बाद में देखेंगे आज ही इसी वीडियो में, अभी फिलहाल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चेक कर लेते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आपका बाएं हाथ है दाएं हाथ है, और बाएं हाथ हो या दाएं हाथ हो, दोनों में 5 5
उंगलियाँ सबकी होती हैं। ओके तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पहले मैं उंगलियों की बात कर लेता हूँ। ओके तो देखिए विद्यार्थी, ये आपका पूरा हाथ शो किया गया है और ये देखिए पांच उंगलियाँ दिखाई गई हैं। ओके और इन पांचों उंगलियों में ये जो होता है अंगूठा होता है, दिस इज द थंब, इसको अंगूठा कहते हैं। ये तर्जनी होती है, ध्यान देंगे, ये जो उंगली है इसको हम लोग तर्जनी कहते हैं, फोर फिंगर, ये आपका तर्जनी हो जाएगा, इसको चेक कर लें, तर्जनी। ये आपका मिडिल फिंगर है, ओके मिडिल फिंगर, या इसको मध्यमा कहते हैं, मध्यमा। ये आपका रिंग फिंगर, ओके अनामिका, ये आपका अनामिका हो जाएगा। और ये सबसे छोटी वाली जो है लिटिल फिंगर, या फिर इसको कहते हैं कनिष्ठिका, सबसे छोटी उंगली होती है। तो इस प्रकार से पांच उंगली आप देख पाते हैं, पहला ये अंगूठा हो जाएगा, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। ओके और हम लोग का जो बाएं हाथ का नियम होगा, या हथेली का, सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दोनों ही नियमों में हम लोग इन उंगलियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका थंब हो जाएगा मतलब अंगूठा, फोर फिंगर, ये आपका तर्जनी, और ये मध्यमा मिडिल फिंगर, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल होना है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। ओके तो चेक करें विद्यार्थियों, अंगूठे बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों, दोनों उंगलियों को तर्जनी और मध्यमा। ओके इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों आपस में लंबवत हों, आप चेक करें, तीनों को देखिए लंबवत फॉर्म में दिखाया गया है, ये अंगूठा हो जाएगा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाइए, ऐसे इस फॉर्म में फैलाना है। मुझे आपको थोड़ा ये आज शो भी कर दूँगा ऐसे। देखिए विद्यार्थियों, ये होता है आपका, चेक करें, ये आपका पांच उंगलियां, ये आपका थंब हो जाएगा जिसको हम लोग अंगूठा कर सकते हैं, ये आपका तर्जनी और ये मध्यमा। तो बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को आपको फैलाना है, ये आपका अंगूठा, ओके तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों परपेंडिकुलर हों, आपस में अगर लंबवत होती हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 का मतलब चेक करें, जैसे ये देखिए 90 बना हुआ है, ये 90 बना हुआ है और ये भी 90 बना हुआ है। ओके तो यहाँ पे जो आपका अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों का जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। बायां हाथ लेके चलना है, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों को लंबवत आपको रख लेना है, परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे कि ये जो आपका अंगूठा है, इसको हम लोग बाद में दिखाएंगे, ये जो आपका तर्जनी उंगली है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, बी की दिशा यहाँ से प्राप्त होगी। ओके ये जो उंगली होगी आपकी मध्यमा, ये करंट, ये धारा की दिशा हो जाएगी। ओके तो चालक पर लगने वाला बल जो है अंगूठा हो जाएगा। ओके चालक पे लगने वाला जो बल होगा क्या होगा, वो अंगूठा। चेक करें, जैसे आपको कुछ यहाँ चेक करना है, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए तीनों 90 एंगल पे रखे हुए हैं। तो ये जो, ये मान लीजिए आपका बी की दिशा है तर्जनी के द्वारा, आई की दिशा है जो कि मध्यमा के द्वारा, तो जो चालक पे लगने वाला जो बल होगा, बल की दिशा ये होगी यहाँ ऊपर की ओर। ओके तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि जो बल है वो इन दोनों के लंबवत प्राप्त होता है। तो देखिए विद्यार्थी, वही चीज़ यहाँ पे शो किया गया है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये बन जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके
आपने देखा कि अंगूठा हो गया है, अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां आपने दिखा दी हैं, और तो उंगली यदि आपका तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में होगा, मध्यमा आई की दिशा को दर्शाएगा, तो जो अंगूठा होगा वो एक्चुअली फोर्स की दिशा को दर्शाता है। ओके, ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल हो जाएगा, जो आप चेक करें कुछ इस डायग्राम से भी। ओके, यू कैन सी हियर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, डायरेक्शन ऑफ करंट आई। ओके, देन फाइनली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी वाया दिस थंब। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट हो गया है कि अगर आपको फोर्स निकालना है, चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र और करंट दिशा का मालूम है, तो आप जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको दाएं हाथ के तेलिक नियम नंबर 2 बनाना है। ओके, तो इसमें आपको दाएं हाथ के तेलिक को इस प्रकार फैलाना है कि जो फैली हुई उंगलियाँ हैं वो अंगूठे के लंबवत हों। अब आप देखें कि ये जो आपका दाएं हाथ है ये अंगूठा हो जाएगा, ये बाकी उंगलियों से लंबवत है ना, मतलब ये निंगिल बन रहा है, कितना बन रहा है ये। तो कोई विशेष इसमें कठिन नियम नहीं है। तो एक्चुअली ये जो फैली उंगलियाँ होती हैं बी की दिशा को दर्शाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और आई जो होगा वो करंट को शो करेगा, जो कि अंगूठे के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ये फैली उंगलियाँ बी की दिशा को ओर हो जाएंगी, आई अंगूठा हो जाएगा, तो जो फोर्स होगा लगने वाला बल, चूंकि बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर, नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, तो एक्चुअली ये देखिए आपका आई हो गया है, इज द आई करंट एंड इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर्टिकल ऑन द कनेक्टर। तो ये आपका हथेली का नियम नंबर 2 के फॉर्म में हो गया है, इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। ओके, देखिए हथेली शो की गई, ये आपका आई हो जाएगा अंगूठा, ये आपका जो उंगलियां हैं वो पी की दिशा को दर्शाएंगी, तो जो फोर्स लगेगा वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ये फोर्स हो जाएगा। ओके, द फोर्स विल बी नॉर्मली आउट वर्ड टू द पाम। तो विद्यार्थियों को देखिए लास्ट टॉपिक चल रहा है, अब ये आखिरी टॉपिक है आज का, दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड के लिए। बोर्ड में हर साल यहाँ से न्यूमेरिकल के पोर्शन में, या फिर आपका थ्योरी के पोर्शन में, या फिर जब आपको एम्पियर की परिभाषा डिफाइन करने को, सब कुछ यहाँ से आता है। ओके, वी आर गोइंग टू चेक द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस, मींस करंट कैरिंग कनेक्टिंग वायर्स। ओके, ये हम लोग का टॉपिक होगा, चालू करते हैं। जब किसी चालक तार में, आप जानते हैं विद्यार्थियों, मैंने कई बार आपको पहले भी इशारा किया होगा कि जब किसी चालक तार में करंट का फ्लो होता है आई के फॉर्म में, तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट आई इज फ्लोइंग इनसाइड द कनेक्टिंग वायर। ओके, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी यहाँ उत्पन्न हो जाता है। अब यदि एक चालक तार ये है करंट आई के फॉर्म में, एक और चालक तार ये रख दिया गया है आई वन मान लें, इसको आई टू मान लें, तब कंडीशन क्या बनेगी? समांतर रख दिया गया है तो निश्चित रूप से एक चालक के द्वारा उत्पन्न जो बल होगा वो दूसरे चालक पे लगेगा, और दूसरे चालक के द्वारा उत्पन्न जो बल होगा वो पहले चालक पे लगेगा। तो म्यूचुअल फोर्स लगेगा, जो कि एक दूसरे पे आरोपित किया जाएगा। ओके, जब किसी चालक तार में करंट पास की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, और यदि एक धारावाहिक चालक तार के निकट एक दूसरा धारावाहिक चालक तार रख दिया जाए समांतर, तो इस कंडीशन में
चालक तार पे पहले चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है, और यही रिवर्स भी चलेगा, मतलब दूसरा जो चालक तार होगा वो पहले पर भी एक फोर्स लगाएगा। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। डायग्राम आप चेक कर लें, देखिए दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, मतलब ये पहला चालक तार ए बी के फॉर्म में, ये सी डी के फॉर्म में, इसमें करंट देखिए एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है आई वन और ये आई टू, तो इनके बीच में देखिए फोर्स शो किया गया है। और दूसरा देखिए डायग्राम चेक कर लें, दूसरे डायग्राम में क्या दिखाया गया कि दो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये इसमें करंट आई वन है, इसमें करंट आई टू है, ओके, इनके बीच की गैपिंग डी दिखाया गया है, तो ये फोर्स देखिए ऐसे दिखाया गया, ये फोर्स ऐसे दिखाया गया है। तो यही थ्योरी हम लोग को यहाँ समझना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए दो मान लेते हैं, दो समांतर लंबे सीधे चालक तार ए बी सीरीज फॉर्म में वायु अथन निर्वात में पास पास कागज तल के लंबवत तल में रखे जाते हैं, ओके। दो लंबे समांतर सीधे चालक तार ए बी सीरीज फॉर्म में निर्वात अथवा वायु में पास पास कागज तल में रखे हुए हैं, दोनों में करंट शो किया गया आई वन आई टू के फॉर्म में, और उनके बीच की दूरी आर शो की गई है, ओके। बायो सावर्ट का नियम आपने पढ़ रखा हुआ है। तो देखिए पहला जो मैंने आपसे क्या कहा कि जो दो वायर शो किए गए हैं, ये पहला है ये दूसरा है, इस चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र से बल एक यहाँ लगेगा, इसके द्वारा एक बल इस पर लगेगा, ठीक है ना। तो पहले आपको बी का मान निकालना होगा, ये बी का मान जो है आपका बायो सावर्ट का नियम, डेल्टा बी या डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज द आई डी एल या आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्म में देखिए प्राप्त होता है। तो हम लोग बायो सावर्ट का नियम पहले लगा लेते हैं, ए बी की धारा आई वन के कारण चालक तार सी डी के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वन दिखा दिया है, और इसकी दिशा क्या होगी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर जाएगी। इसी प्रकार सी डी में देखिए करंट आई टू पास होता है, ओके, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी वन का प्रभाव होगा, तो इस पर लगने वाला बल निकालते हैं जो हमने भी ऊपर टॉपिक पढ़ा हुआ है बेल साइन थीटा के फॉर्म में, ओके, थीटा 90 हो जाएगा क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 दिखाया हुआ है। अब यहाँ जो B आप दिखाएंगे वो B1 होगा, ओके, जो B है वो B1 होगा, मतलब B1 का मतलब AB में जो धारा I1 होती है उसके कारण CD के पास किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ओके। तो विद्यार्थियों CD में जो करंट I2 है उसकी वजह से हमें निकालना है फोर्स, और ये फोर्स बिल साइन थीटा के फॉर्म में चलेगा, अब चूंकि सी डी में करंट आई टू शो की गई है तो आई टू बी वन एल साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा, आई टू बी वन एल बना देगा, ओके। बी वन की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन अपॉन आर के फॉर्म में, ओके। अब आपको यहाँ बी वन की वैल्यू शो कर देनी है, एल की वैल्यू देखिए यहाँ दिखा दी है न्यूटन के फॉर्म में, देखिए बन गया है, एल को नीचे लाएंगे, एल को नीचे लाना है तो ये एक्चुअली एफ अपॉन एल के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि चालक तार सी डी की प्रति मीटर लंबाई पे लगने वाला बल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर न्यूटन पर मीटर, ओके। तो ये देखिए डायग्राम चेक कर लें आप फिर से, एक्चुअली ये डायग्राम ये बताता है कि अगर दोनों चालक तारों में ए बी सी डी के फॉर्म में दिखाए गए हैं, दोनों में यदि करंट एक ही दिशा में है I1 और I2 के फॉर्म में शो किया गया है, तो जो फोर्स होगा इनके बीच गैपिंग देखिए R शो की गई है, इनकी लेंथ हमने L मान ली है दोनों की, ओके। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ओके। तो देखिए शो किया गया है, इस प्रकार से इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इसकी दिशा अगर निकालनी तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ तेरी का नियम नंबर टू या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगले डायग्राम में अगर दिशा बदल देते हैं, मतलब यदि पहले में करंट I1 देखिए ऊपर दिखाया गया है, I2 नीचे दिखाया गया है,
यहाँ फोर्स देखिए ये दिशा है, फोर्स यहाँ पे ये दिशा है, दोनों की अलग अलग है। यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ओके, रिपल्सन देखिए यहाँ चेक कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र देखिए तल के लंबवत है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय बल जो होगा तल के समांतर हो जाएगा। ओके, दोनों बलों की दिशाएं अलग अलग हैं तो यहाँ पे जो बल होगा वो फाइनली प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इस प्रकार चालक तार सीडी की धारा के कारण चालक तार ए बी की एल मीटर लंबाई पर लगने वाला बल भी इतना होगा। ओके, तो देखिए फॉर्मूला आपका ये प्राप्त हो गया, एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई एन आर टू अपॉन आर के फॉर्म में लेके चल रहा है ये। अब यहाँ से यदि आप चेक कर लें कि यदि आई वन आई टू को आई मान लिया जाए, ओके, तो जो एफ अपॉन एल की वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार से बन जाती है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ओके, अतः दोनों समांतर धारावाही चालक तारों के बीच प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये देखिए डायग्राम शो किया गया है, डायग्राम को आप चेक कर लें विद्यार्थियों। अरे भैया ये हम तो फाइनल विद्यार्थियों हम लोग एम्पियर की परिभाषा चेक कर लेते हैं, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ये। यदि किसी इस प्रकार के निकाय के लिए हमें एम्पियर को डिफाइन करना होगा, तो यदि वायु अथन निवात में परस्पर 8 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे समांतर धारावाही तारों में वैद्युत धाराएं आई वन आई टू के फॉर्म में अगर शो की जाती हैं, तो तारों के प्रति मीटर पर लगने वाला बल एंड ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एफ अपॉन एल के फॉर्म में। और आप जानते हैं कि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4π 10⁻⁷ होती है। ओके, तो ये वैल्यू शो करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है कि L को मानना है 1 मीटर, I1 I2 को मानना है 1 एम्पियर, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो 2⁻⁷ न्यूटन ये प्राप्त हो जाता है। ओके, तो विद्यार्थियों फाइनली हम लोग एक डेफिनेशन बना लेते हैं और ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ओके, और डेफिनेशन क्या है कि एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथन निवात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो फाइनली ये डेफिनेशन आपके हाथ में आती है जो कि एम्पियर की परिभाषा है। और ये परिभाषा आपको इसी प्रूफ के बाद पूछा जा सकता है। ओके, तो विद्यार्थी इस प्रकार से आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लिया है, इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करना है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।